प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं बाल महाभारत कथा पढ़ेंगे। आप सभी ने दूरदर्शन पर प्रसारित महाभारत को देखा होगा। आपको उनमें से कुछ पात्रों के नाम याद होंगे, जैसे कि धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीम, युधिष्ठिर, दुशासन, नकुल, सहदेव और पितामह भीष्म। इनमें से भीष्म कौन था, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका पालन पोषण किसने किया, इसके बारे में आज हम महाभारत की कथा दूसरी देवव्रत में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शंतनु को मोह लिया था। तो एक दिन राजा शंतनु नदी के किनारे टहल रहे थे और उसी वक्त गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के किनारे खड़ी थी। गंगा के सौंदर्य और नवयौवन को देखकर राजा शंतनु एकदम मोहित हो गए। अभी मोहित होना यानी क्या, वे आकर्षित हो गए। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। तो गंगा राजा से बोली, आपकी पत्नी बनना मुझे स्वीकार है, परंतु आपको इसके पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। उसने राजा के सामने एक शर्त रखी। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। गंगा की सारी शर्तें मानने के लिए राजा तैयार हो गया और उस शर्तों को पूर्ण रूप से पालन करने का उसने वचन भी दिया। कुछ समय बाद गंगा ने कई तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, परंतु पुत्र जन्म लेते ही उसे नदी की तेज धारा में वह फेंक देती थी और खुशी खुशी मुस्कुराते हुए राजा शंतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। तो गंगा का ऐसा व्यवहार देखकर राजा शांतनु चकित रह जाते। उन्हें इस बात का बहुत दुख होता था, परंतु वचन के अनुसार के कारण वे मन महसूस कर रह जाते। सात बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। आठवां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी। तो शांतनु से न रहा गया, बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो गंगा ने सात बच्चों को इसी तरह नदी की धारा में बहा दिया और जब आठवें बच्चे की बारी आई,
तब राजा शंतनु से न रहा गया। उसने ऐसा घृणित कार्य करने से मना कर दिया। शंतनु बोले, माँ होकर अपने नादान अभी नादान यानी अनजान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया, अभी अकारण ने बिना किसी कारण से, तो ऐसा घृणित कार्य करना तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की ऐसी बातें सुनकर गंगा बोली, राजन आप अपना दिया हुआ वचन भूल गए। मालूम होता है कि आपको मुझसे ज़्यादा पुत्र से ही मतलब है, आपको मेरी परवाह ही नहीं है। शर्त के अनुसार मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अब मैं इस आठवें पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी, परंतु इस बालक को कुछ दिन में पालूंगी और इनाम के रूप में इसे आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। अभी गंगा बच्चे को लेकर चली गई और यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात यानि प्रसिद्ध हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शंतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। गंगा के चले जाने से राजा शंतनु का मन दुखी हो गया। वे भोग विलास से विरक्त हो गए और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठिला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की पोछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शंतनु दंग रह गए। तो एक दिन राजा शंतनु शिकार खेलते गंगा के किनारे पर चले गए। वहां उन्होंने एक सुंदर और गठिला युवक को देखा। वह गंगा की बहती धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की तीव्र धारा एकदम रुक सी गई। यह देखकर शंतनु को आश्चर्य हुआ, वह दंग रह गया। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को, यही आपका और मेरा आठवां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी हैं। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। अभी राजा के सामने गंगा खुद आकर खड़ी हो गई। उसने राजा से पूछा कि आपने मुझे और इस युवक को पहचाना क्या? यही आपका और मेरा आठवां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ इसके गुरु है। इन्होंने इसे शिक्षा दी। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका सामना या बराबरी कर सकते हैं। यह कुशल योद्धा है और उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत का माथा चूमा और फिर आशीर्वाद देकर राजा के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार राजा शंतनु अपने पुत्र देवव्रत को लेकर महल में चला आया। यहीं पर हमारी देवव्रत कथा समाप्त हो रही है। धन्यवाद।